हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उन्नति किचन। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुकीज, सिंपल सी कुकीज। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कप मैदा, आधा कप सूखा पाउडर, एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं, इसमें हम बटर डालते हैं। बटर डालने के बाद हम इसमें सूखा पाउडर ऐड कर देंगे। क्वांटिटी सेम रहेगी तो हम बटर और सूखा पाउडर ऐड किए। अब हम इसे बीट करेंगे बीटा मशीन से। अगर आपके पास बीटा मशीन ना हो तो आप हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कि आप हैंड बीटर यूज़ करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और बीटा मशीन का यूज़ करने में आपको 5 और 10 मिनट में अच्छे से बीट हो जाएगा। और इसे हम एकदम क्रीमी टेक्सचर मिलाना है। जब ये क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, देखिए कितने अच्छे से हम बीट कर रहे हैं, जब ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा तो हम इसमें आप फ्लेवर के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए क्रीमी फ्लेवर आ गया, तो इसमें मैंने फ्लेवर के लिए पाइनएप्पल एसेंस यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी आता है। तो यहाँ मैंने पाइनएप्पल यूज़ किया है। पाइनएप्पल यूज़ करने के बाद हम फिर से बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। फिर हम इसमें 1 कप मैदा डाल देंगे। मैदे के साथ साथ हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। मेरे पास कस्टर्ड पाउडर नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं डाला, लेकिन आप डाल सकते हो अगर आपके पास हो तो। जब हम ये पूरी इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसे हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। जब आपको लगे कि हाँ ये अच्छे से भी डो नहीं हो रहा है तो आप इसमें मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4-5 टेबल स्पून मिल्क यूज़ किया है। देखिए मैंने अब यहाँ पे मैं मिल्क ऐड कर दूँगी। मिल्क से क्या होता है, डो अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने मिल्क डाला और हमारा डो बन के तैयार है। अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कलर, कलर के लिए मैंने पिंक कलर एंड येलो कलर मिक्स किया है। एंड सेकंड पार्ट मैंने ऐसे इसमें मेरे पास चेरीज था तो मैंने ऐड किया है। इसकी जगह पे आप कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं या ज़ीरा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बस 1 में कलर और 1 में चेरीज डाला है, जो कि चेरीज वाला वीडियो बन नहीं पाया, इस वजह से वो आपको दिख नहीं रहा है, वो बेकिंग के टाइम आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 पार्ट में कलर अच्छे से डाल दिया है। हमने 2 कलर डाला है, इस वजह से पिंक कलर शो कर रहा है और सेकंड में मैंने चेरीज डाल दिया था, वो चेरीज रखे हुए थे। तो मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल के बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे ही प्लास्टिक पेपर लिया, उसे रोल करके फ्रिज में आधे घंटे रख दिया। उसके बाद निकालने के बाद मैंने ऐसे नाइफ से सेम ऐसे ही कट कर लिया है, जैसे आप देख पा रहे हो। फिर मैंने ऐसे ही मतलब बेकिंग ट्रे में डाल दिया। देखिए वाइट वाले में चेरीज हो रही है ना, तो मैंने चेरीज बाद में डाली थी उसमें। तो अब मैं इसमें हीट करूंगी माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए, ऐसे रख दूंगी बेक होने के लिए। और जब ये बेक हो जाएगा तो देखिएगा कलर कितने अच्छे निखर के आएंगे और आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ हाँ, आप भी बनाना और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आप बनाना और ट्राई करना फिर मेरे को अपने। ये देखिए कितने अच्छे कलर आए, कितने अच्छे बेक हुए हैं। और देखिए इसमें क्रैक आ गए हैं, तो इसकी एक निशानी होती है कि हाँ ये बेक अच्छे से हो चुके हैं। और आप भी ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।